राधे राधे फ्रेंड्स, मैं बीना पाठक मुरादाबाद से आज आप लोगों को अपने गजेनिया प्लांट्स दिखाती हूँ। कितने सुंदर हो रहे हैं, अच्छी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है इसमें। देखिए पहले तो आप फ्लावर देखिए, इनके कितने खूबसूरत हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं। छोटे छोटे मैं प्लांट लाई थी फ्रेंड्स, ये एक ही पॉट में, इसमें मैंने ये बर्बीना भी लगा रखा है। जो प्लांट्स लवर होते हैं फ्रेंड्स, उनके यहाँ पॉट की हमेशा शॉर्टेज रहती है, उनके यहाँ पॉट कभी भी खाली नहीं मिलेंगे। जब प्लांट्स रिपोर्ट करने हो तो इधर उधर फिर कर देते हैं जल्दी में। आज मैं आपको अपने गजेनिया प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ। इनको मैंने खूब भुरभुरी अच्छी रिच मिट्टी में लगाया था। मैं साधारण गार्डन सॉइल लेती हूँ, गोबर की खाद और रेता, बालू मिट्टी जिसे बोलते हैं, इन सबको, तीनों चीज़ों को मिलाकर अपनी गार्डन सॉइल तैयार करती हूँ, पॉटिंग सॉइल, उसमें मैं ये लगाती हूँ। तो देखिए अच्छी मात्रा में उसमें गोबर की खाद डालिए। गोबर की खाद फ्रेंड्स एक ऐसी, अगर आप ज़्यादा भी डाल देंगे तो भी उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे प्लांट्स के लिए, वह बहुत अच्छी होती है। बस खूब अच्छी सड़ी हुई और पुरानी खाद होनी चाहिए। नई अगर आप डालेंगे तो उससे प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो कम से कम एक डेढ़ या दो साल पुरानी हो तो बहुत ही अच्छा है। देखिए मेरे कितने सुंदर हो रहे हैं ये सारे प्लांट। जब भी ये फूल पुराना हो जाए तो आप इसकी, ये नीचे पूरी स्टिक होती है, ये यहाँ से नीचे से कट कर देना चाहिए, और यहाँ से ही फिर आप देखिए नई नई बड़ आने लगती हैं। देखिए कितनी सारी इसमें कलियाँ आ रही हैं, बहुत सुंदर फूल इसका लगता है। और शाम होने पर ये बंद हो जाता है, और सुबह जैसे ही धूप निकलनी शुरू होती है ये फूल खिल जाता है। तो अब धूप निकल आई है तो सारे फूल खिलने शुरू हो गए हैं। ये भी देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये धीरे धीरे, अगर आप थोड़े बड़े पॉट में लगाते हैं तो थोड़े दिनों में पूरा पॉट भर जाएगा। नीचे से ही इनके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं और ये काफ़ी घना हो जाता है। देखिए इस तरह ये मेरे कितना घना हो रहा है, बड़े पॉट में लगा हुआ है, इसमें काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकल आए हैं, जिन्हें आप सेपरेट करके अलग प्लांट बना सकते हैं। और अगर हम इसे केयर से रखें गर्मियों में तो ये पूरे साल तक भी आराम से ये प्लांट चलता रहता है। बस इसको शेड में रखना पड़ता है गर्मियों में, और ये पूरे साल आराम से चलता रहेगा। और बहुत घना हो जाता है ये, क्योंकि इसमें बेबी प्लांट लगातार नीचे से निकलते रहते हैं। देखिए कितने सारे हो रहे हैं ये, और बहुत सुंदर लगता है। इसमें आप सरसों की खली की फर्टिलाइज़र बनाएं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो डालते रहिए हफ्ते में एक बार। नीम की खली जब इसे हम बोते हैं तब नीम की खली मिट्टी में मिला लें थोड़ी सी, तो ये बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। देखिए मेरे कितने अच्छे चल रहे हैं सारे प्लांट, कितने हेल्दी और सुंदर हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं फ्रेंड्स। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है गजेनिया प्लांट, इसे आप अपने गार्डन में जगह दें, बहुत सुंदर लगता है ये। और बराबर इसमें खूब फ्लावरिंग होती रहती है, देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं, ये सब जब खिल जाएंगी तो कितना सुंदर लगेगा। और काफ़ी दिनों तक एक फूल इसका चलता है, एक मैं आपको ये भी अपना प्लांट दिखाती हूँ, बटरफ्लाई, छोटी वाली स्मॉल बटरफ्लाई, कितनी सुंदर लग रही है। छोटे से पॉट में लगा हुआ है ये प्लांट मेरा। विंटर के आप जितने भी प्लांट लगाएं फ्रेंड्स, उनकी खूब अच्छी रिच मिट्टी तैयार करें, उसमें लगाएं, तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत हेल्दी और अच्छे प्लांट देखने में लगते हैं। सारे कितने प्यारे लग रहे हैं,
ओके फ्रेंड्स, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स।